प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का वीडियो पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो आवास प्लस के लाभार्थी है उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो आवास प्लस के लाभार्थी है उन लोगों के लिए जो है कुछ बड़ी अपडेट की गई है, यानी कि कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है भारत सरकार द्वारा। घोषणाएं कौन कौन सी है और कौन कौन से राज्यों के लिए जो है ये घोषणाएं एप्लीकेबल होंगे, सारा डिटेल बताऊंगा वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो है सभी राज्यों में जो पेमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको भी पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जो पहली किस्त की राशि आपके अकाउंट में मिला है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से राज्यों में जो है पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जो पेमेंट है वो की जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको पहली किस्त की राशि मिला है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो आवास प्लस की लाभार्थी सूची है उसी के अंतर्गत कुछ अपडेट आए हैं, और ये कौन सी अपडेट है और अब घोषणा के बाद जो है लाभार्थियों पर क्या कौन सा असर पड़ेगा मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियोस हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण के वेबसाइट पर। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सी घोषणाएं की गई है। सबसे पहले तो 2022-23 के अंतर्गत पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जितने भी आवास बनाए जाएंगे भारत के अंतर्गत सभी राज्यों में, वो अब सिर्फ जो है आवास प्लस की सूची से ही बनाई जाएगी। इससे पहले जितने भी घर बनाए गए थे 2021-22 के अंतर्गत वो पीडब्ल्यूएल लिस्ट और आवास प्लस दोनों को मिला के बनाए गए थे, क्योंकि पीडब्ल्यूएल लिस्ट में बहुत सारे जो आवास थे वो पेंडिंग थे, जिसके कारण जो है पीडब्ल्यूएल लिस्ट से भी आवास जो है बनाए गए थे। लेकिन इस बार घोषणा की गई है जिसमें ये बताया गया कि सिर्फ आवास प्लस की सूची से पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी लाभार्थियों का घर बनाया जाए। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो जितने भी नए लाभार्थी है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उन सभी लाभार्थियों को एक साथ जो है पीएम आवास योजना ग्रामीण का जो है लाभ मिल सकेगा, और सभी लाभार्थियों को जो है एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो उनका आवास का जो पैसा है वो उनके अकाउंट में भी मिल जाएगा। तो बड़ी अपडेट पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो आवास प्लस के लाभार्थी है उन लोगों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जितने भी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है सभी लाभार्थियों को एक साथ जो है अब पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो है घर दे दिए जाएंगे। भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य है सभी राज्यों में एक साथ, यानी कि सभी राज्यों में आवास प्लस की सूची के अंतर्गत ही अब आवास बनाए जाएंगे। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।